Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Ansari. आप सभी लोगों का आयुष्मान खुराना की फिल्म तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जावे, I'm searching for you girl. ड्रीम गर्ल द्वितीय के पहले 11 दिनों के हिट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मान न मान मैं तेरा आयुष्मान खुराना, नहीं हुए तुम पुराना. क्योंकि गाइस आयुष्मान मान न मान गदर 2 के रास्ते का मेहमान बना एंड गाइस गदर 2 को नियरली 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है ड्रीम गर्ल 2 ने. यस फ्रेंड्स, अगर ड्रीम गर्ल 2 नहीं होती तो गदर 2 आज कहीं ना कहीं 550 या 560 करोड़ का नेट कलेक्शन पे होती. एंड अगर OMG 2 नहीं होती जिसने गदर 2 को ऑलमोस्ट 146-147 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है, देन गदर 2 आज कहीं ना कहीं 600-630 करोड़ के ऊपर होती. एंड दोनों फिल्मों ने गदर 2 को अच्छा खासा यहां पर हैम्पर किया है. बात करो ड्रीम गर्ल द्वितीय की, द फर्स्ट वीक ऑफ ड्रीम गर्ल वॉज अ ड्रीम रन. इसने ओपनिंग 10.69 करोड़ की ली. इसका फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिन 40.71 करोड़ के थे. अब गाइस ड्रीम गर्ल 2 एक सीक्वल है, इसके फर्स्ट पार्ट ने इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं. लेकिन आयुष्मान खुराना जिस पीरियड से गुजर रहा था ना, वो पुराना होते जा रहा था, लोग उसे भूलते जा रहे थे. उसका कंटेंट जो है ना, वो लोग OTT पर देखने वाले जाने वाले थे. लेकिन गाइस ड्रीम गर्ल 2 ने अब उसके करियर को आयुष्मान खुराना के रिवाइव किया है. इस फिल्म के हिट होने से आयुष्मान खुराना का ब्रांड ऑफ सिनेमा यहां पर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जिंदा है. एंड गाइस फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने 67 करोड़ रुपए कमाई की है. फर्स्ट मंडे फिल्म कितना गंदा गिरी थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिल्म संभली. एंड गाइस जैसे इसका सेकेंड वीकेंड शुरू हुआ फ्राइडे, इसने 4.70 करोड़ कमाया. इसके बाद कलेक्शन बढ़ते गए एंड डिस्पाइट द इंडिया पाकिस्तान मैच ऑन सैटरडे जहां पे गदर को भी नुकसान हुआ, ड्रीम गर्ल 2 स्टेडी चल रही थी. 6.36 करोड़ कमाया. लुक एट द जंप फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे, यानी कि कॉमेडी फिल्म आप अच्छी बनाओ, इसकी रिपीट वैल्यू ऑडियंस डेफिनेटली इसको देखने के लिए आती है. एंड यही हुआ है ड्रीम गर्ल द्वितीय के साथ. आलम कुछ इस तरह से था कि सैटरडे 6.36 था तो संडे ऑलमोस्ट 8.10 करोड़ कमाया. दीज आर सुपर्ब कलेक्शंस. एंड अपने सेकेंड वीकेंड में इस फिल्म ने 19.16 करोड़ कमाते हुए इसने अपने पहले 10 दिनों का टोटल 86.16 करोड़ में पहुंचा दिया. यानी कि 86.16 करोड़ इज व्हाट ड्रीम गर्ल 2 हैज अर्नड इन 10 डेज. इज अ सुपर्ब कलेक्शंस फॉर एन आयुष्मान खुराना फिल्म. इसका ग्रॉस होता है 102.57 यानी कि 102.57 करोड़. एंड गाइज ये फिल्म ने ओवरसीज 10.73 करोड़ कमाते हुए अपने विश्व भर का टोटल 113.3 यानी कि 113.3 करोड़ पर पहुंचा दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष्मान खुराना. ड्रीम गर्ल 2 इज अ बिग हिट एट द बॉक्स ऑफिस. एंड गाइज ये मानो ना मानो इनके करियर को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है. सो गाइज अब यहां से आयुष्मान की गाड़ी और ड्रीम गर्ल 2 की गाड़ी कहां जाती है? आज ऑब्वियसली मंडे है, ये फिल्म कहीं ना कहीं 3 से 3.25 करोड़ कमाएगी. उसके बाद 12वां दिन जो है वो ट्यूजडे 3, अभी वेडनेसडे सम तो 13th डे जो है 2.75 करोड़ कमाकर ये फिल्म अपने कलेक्शंस में और 8 करोड़ यू नो डालने की क्षमता रखती है. एंड ये फिल्म कहीं ना कहीं 13 दिनों में 94.16 करोड़, वो फिल्म जो फर्स्ट मंडे लगा था कि 75-80 करोड़ पर रैप अप हो जाएगी, अब 94.16 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है. एंड डेफिनेटली इसके बाद जब थर्सडे को जवान रिलीज होगी, जवान की शोकेसिंग क्यों नहीं लग रही है? क्यों? क्योंकि गदर 2 है यहां पर. यहां पर नन रिलीज हो रही है जो काफी अच्छी चलने वाली है इंडिया में. ड्रीम गर्ल 2 है इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है जवान की शोकेसिंग, फाइनल शोकेसिंग लगाने के लिए, क्योंकि ये होल्ड ओवर रिलीजेस को भी शोज मिलेंगे. आयुष्मान खुराना की फिल्म अब डेफिनेटली इसको 100 करोड़ कमाने के लिए थर्सडे से लेकर इसके लाइफ टाइम के अंत तक सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए और कमाना है. 5.5 से 6 करोड़ जो हंसते हंसते आने वाले समय में कमाएगी, क्योंकि गाइस फुकरे टुकरे तक कोई पिक्चर नहीं है हिंदी. तो आई थिंक डेफिनेटली ये जाते हुए दिखाई देगी. एंड कुछ लोग कह रहे कल टीचर्स डे है तो फायदा होगा, तो टीचर्स डे के दिन छुट्टी मिलती है तो मुझे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड 7th को गाइस जिस दिन जवान रिलीज हो रही है उस दिन जन्माष्टमी है, तो डेफिनेटली ये होल्ड ओवर रिलीजेस को यहाँ पर फायदा होगा. एंड आयुष्मान की ये फिल्म मिनिमम 100 करोड़ तो जाने वाली, इनफैक्ट 100 करोड़ के ऊपर जाएगी, क्योंकि द शो काउंट इज शॉकिंग. मुंबई में इसके पास 315 शोज है, ऑलमोस्ट गदर जितने. बात करो दिल्ली एनसीआर की 729, बात करो पुणे 119, बेंगलुरु 103,
हैदराबाद 81, कोलकाता 132, अहमदाबाद 146, सूरत 66, जयपुर 115 एंड लखनऊ 143, एंड आज भी मॉर्निंग 10 की ऑक्यूपेंसी लिया एंड आफ्टरनून 15 की. ड्रीम गर्ल 2 इज अ बिग सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस और इसने डेफिनेटली गदर 2 के कलेक्शन में डेंट डाले हैं एंड मुझे लगता है इसका लाइफ टाइम कहीं ना कहीं 105 से 110 करोड़ तो डेफिनेटली होगा. ओके गाइस, होप आज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. अच्छा पसंद आया प्लीज आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. गाइस, OMG 2 के प्रोड्यूसर्स कलेक्शन रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ. आने वाले समय में जैसे कलेक्शन रिपोर्ट होगा मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बनाकर बताऊंगा. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.